गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल से कुछ डाउट रहता है तो डाउट ले लेना, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटर पिंस नोज दैट 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इज इफेक्टिव इफ ही सेल्स कॉटर पिंस इन बॉक्सेस ऑफ 100। इसने क्या बोला, उसे पता है कि 5% उसकी जो कॉटर पिंस होंगी वो डिफेक्टिव हैं और उसने वो बॉक्सेस, एक बॉक्स में 100 है, उसने गारंटी किया कि एक बॉक्स में 10 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं मिलेंगे, नॉट मोर देन 10 पीसेस विल बी डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉक्स है वो फेल कर दे टू मीट द गारंटेड क्वालिटी, कि उसने मुझे बॉक्स दिया और उसने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 10 ही क्वार्टर पिंस खराब होंगी, बाकी 90 ठीक होंगी, तो क्या उसने जो गारंटी दिया वो कब फेल होगी, जब मुझे 10 से ज्यादा क्वार्टर पिंस खराब मिल जाए। तो मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 10, मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 10, तो मैं ये निकालना है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एक्स एन क्या है मेरा, 5% इसने क्या बोला, 5% आर डिफेक्टिव, तो पी क्या आ गया तुम्हारा 0.05, इसने यही बोला 5% आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पिंस आर 5% 0.05। एन क्या है 100, क्योंकि एक बॉक्स में कितनी है 100 है। अब हमें क्या बोला है कि नॉट मोर देन 10, मतलब पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 10 निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 वाला माइनस कर देते हैं, हम ये वाला माइनस कर देते हैं, इससे क्या होगा, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, करना चाहते हो तो 10 से कहां तक जाओगे, तुम्हें 100 तक जाना पड़ेगा, इससे बेटर है कि 1 में से लेस देन 10 के माइनस कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम्हें इसे डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि पॉइजन लगाना है कि बायनोमियल, बायनोमियल तभी लगाओ जब तुम्हें पता आउटकम 6 to 7 हो, मतलब 6 से 7 तक जाना है, अब ये 10 आ गया, नहीं तो तुम लगाना चाहते हो तो इधर बायनोमियल भी लगा सकते हो, पी की वैल्यू 0.5 है, क्यू की वैल्यू भी 0.5 आएगी, ठीक है, और तुम बायनोमियल सॉल्व कर लो। लेकिन बायनोमियल के बजाय आज हम करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था कि जब इनफाइनाइट केसेस हो, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि फाइनाइट वाले नहीं ले सकते, जब तुम्हें ऐसा लगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पी ऑफ एक्स पहले मेंशन करोगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, क्या होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल। अब तुम्हें क्या निकालना है, x लेस देन मतलब लेस देन 10 तक का निकालना है, तो तुम 10 तक का निकाल लो। 10 तक के निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो बुक में से देख लो, यहां से 1 माइनस कर दिया यहां तक, फिर x को 0 से 10 तक लेके जाना है, तो इसका मतलब ये जो x लेस देन 10 है इसको हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस पी ऑफ, अगर निकालना हो तो तुम्हें x इक्वल्स टू 0 भी निकालना है, पी ऑफ x इक्वल्स टू 1 भी निकालना है, अप टू सोन कहां तक जाओगे, पी ऑफ x इक्वल्स टू 10 तक जाओगे। अब तुम यहां तक जाने के लिए क्या करो, इसकी बजाय तुम समेशन लगा दो, तो तुम्हारा कैलकुलेशन क्या रहेगा, पी ऑफ x ग्रेटर देन 10 निकालने के लिए 1 माइनस पी ऑफ x लेस देन 10 को सॉल्व करना है, मैं क्या लगा दूंगी समेशन, x कहां से स्टार्ट है 0 तक, कहां तक है 10 तक, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, लैम्डा क्या होता है तुम्हारा n इंटू में p, n क्या है 100, p क्या है 0.05, दोनों की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितना आएगा 5, लैम्डा आ गया हमारा 5, तो वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस समेशन x 0 टू 10 e की पावर माइनस 5, 5 की पावर x बाय x फैक्टोरियल। आगे कैलकुलेशन वर्क है, करना है तो कर दो, नहीं तो एग्जाम में यहां तक छोड़ सकते हो, वैसे कोशिश करना अगर सॉल्व कर सकते हो तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए 1 माइनस ई की पावर माइनस 5 तो कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है 0 से 10 तक, तो 5 की पावर पहले क्या पुट करेंगे 0 बाय 0 फैक्टोरियल, फिर 5 की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 5 की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, अप टू सोन 5 की पावर 10 तक सॉल्व करना है, एग्जाम में टाइम हो तो कर देना, नहीं तो यहां तक छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हायर फर्म, एक जो कार देती है हायर मतलब रेंट पे देती है, हैज टू कार्स, उसके पास टू कार्स हैं जो कि वो हायर करती है आउट डे बाय डे, हर दिन करती है, द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें मेंशन किया है कि तुम्हें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करना है, विद मीन कितना है 1.5, और मैंने बताया तुम्हें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो कितना होता है लैम्डा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कौन होता है लैम्डा, लैम्डा और मीन भी क्या होता है लैम्डा ही होता है, तो उसकी और मीन कितना दे रखा है 0.05, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.05। क्वेश्चन में पहले देख लिया करो क्या क्या गिवन है, यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट क्या बोला है, सॉरी 1.5 है,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नीदर द कार इज यूज्ड. तो इसने क्या बोला है कि वो प्रोपोर्शन निकालो कि जिसमें कार यूज ही नहीं हुई, तो मतलब तुम्हारी डिमांड जीरो हो गई. तो तुम पेपर में कैसे एग्जाम करोगे कि हेयर द रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स को क्या डिनोट करो, नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन एनी डे, ठीक है, किसी भी दिन हो, और क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि पॉइजन है तो वो फॉलो कर रहा है, एक्स क्या फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन है 1.5. अब फिर पेपर में मेंशन करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है प्रोपोर्शन, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे तो क्या होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के लिए होता है. और लैम्डा की वैल्यू जो भी है वो यहां पुट कर दो, ई की पावर माइनस 1.5 की पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल. नेक्स्ट हमने बोला है, अब इसने बोला है कि कार यूज ही नहीं हुई तो तुम्हारी डिमांड क्या हो उस टाइम पे, जीरो. तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज, तो मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो निकालना है. एक्स क्या मांग के चल रहा है, डिमांड, तो एक्स को क्या पुट कर दो, जीरो. जहां जहां पे भी तुम्हें एक्स दिख रहा है वहां जीरो पुट कर दो, तो यहां जीरो पुट करो, किसी की पावर जीरो, वन, जीरो फैक्टोरियल वन, तो आंसर आ गया ई की पावर माइनस 1.5, तो आंसर आ गया ई की पावर माइनस 1.5. फिर इसने इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया, तुम्हें पेपर में एग्जाम में अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली बाइनोमियल तो तुम आंसर पूरा निकाल ही सकते हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन में आंसर पूरा निकालना, नहीं तो यहां तक छोड़ सकते हो. वन माइनस, अब ये कैसे लिखा इसने ई की पावर माइनस 1.5 को, देखो ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सोन, ये नॉट एंडिंग होता है. और ई की पावर एक्स क्या हमारा माइनस 1.5, तो एक्स जहां जहां दिख रहा है वहां पे 1.5 पुट कर दो, 1.5 का स्क्वायर करोगे माइनस का, वो स्क्वायर माइनस फिनिश हो जाएगा और ये आ गया ऐसे माइनस 1.5 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सोन. 1 माइनस 1.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर 2.25 बाय 2 माइनस, ऐसे क्यूब तक चलता जा रहा है, अब टू सॉन करके इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसी के पार्ट में, प्रोपोर्शन ऑन द डे ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज. ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि डिमांड कब रिफ्यूज होगी, जब तुम्हारे पास कार फ्री नहीं होगी. तुम्हारे पास कार कितनी है, 2, डिमांड 2 से ज्यादा आई, अब मैं 2 को दे ही चुकी हूं तो मेरे पास नहीं है, तो डिमांड कब होगी, जब डिमांड हमारी 2 से ज्यादा होगी. जब हमारी डिमांड 2 से ज्यादा होगी तब हमें उनके डिमांड को रिफ्यूज करना पड़ेगा. तो ग्रेटर देन 2 निकालना है, ग्रेटर देन 2 का मतलब 3, 4, 5 कितनी भी डिमांड आ सकती है, हो सकता है पहले दिन ही 100 आ जाए, लेकिन मुझे तो 2 के बाद रिफ्यूज करना है, तो इसमें यह नहीं पता कितना निकालना. तो ग्रेटर देन 2 के बाद के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस लेस देन 2 के तक के निकाल लेते हैं. इस कैलकुलेशन को करने के बजाय 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो. पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, उसको माइनस कर दो. इधर के इसके लिए सॉल्व क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 1 और 2 तीनों पे वैल्यूज निकालनी है. अब तीनों की वैल्यूज के लिए पहले एक बार एक्स इक्वल टू 0 तुम सॉल्व कर ही चुके हो, उसकी वैल्यू पुट कर दो. एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक्स को क्या पुट करना है, इधर 1/1 हो जाएगा, ऐसे 2 पुट कर दो, उसको कैलकुलेट कर लो. ठीक है, कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे कंप्लीट. देखो उधर जो था यहां पे, इसमें क्या बोला इसने, मैं सॉल्व कर देती हूँ एक बारी. इसने क्या बोला, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स को 1 पुट करना है, तो 1 पुट किया, 1 फैक्टोरियल, तो ई की पावर 1.5. देखो तुम कहोगे कि इधर नॉट एंडिंग आंसर चल रहा है, चल तो इधर भी यही रहा है, ई की पावर माइनस 1.5. ऐसा करना आप एग्जाम में, इसकी एक्सपेंशन को खोलने के बजाय कैलकुलेटर अलाउड होगा, ई की पावर माइनस 1.5 सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में डायरेक्टली, तुम्हें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है, नेक्स्ट है 8.34 क्वेश्चन में, एक इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योर करती है 4000 पीपल अगेंस्ट लॉस ऑफ बोथ आईज इन अ कार एक्सीडेंट. इसने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर करती है कि 4000 पीपल जो हैं उनकी दोनों की दोनों आईज अगर कार एक्सीडेंट में चली जाती है तो उनको इंश्योरेंस देती है. बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा उन्होंने देखा, पहले वाले डाटा के अकॉर्डिंग एवरेज ऑफ 10% इन, अब उन्होंने क्या किया 4000 का इंश्योरेंस कर दिया कि अगर बाय चांस तुम्हारी आईज चली जाती है तो सारा खर्चा वो उठाएंगे. अब उसने क्या बोला, उन्होंने क्यों करा ये, उन्होंने देखा कि पहले के बजाय में अगर 1,00,000 एक्सीडेंट्स होते हैं, कार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें 10% ऐसे निकलते हैं जिनकी आईज जाती हैं, दोनों आईज
कार एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 ऑफ द इंश्योर्ड विल कलेक्ट ऑन देयर पॉलिसी. अब वो देखो, वैसे इंश्योरेंस का तुमने पढ़ा होगा, इंश्योरेंस क्यों करते हैं? क्योंकि चांसेस उन्हें पता है कि सब इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि उनका खर्चा कम हो या उनको मतलब आगे जाके हेल्प मिल जाए मनी की. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता है कि इनके चांसेस कम होते हैं. अब 4,000 में से हमें उनको इंश्योरेंस कितने का देना पड़ेगा? सिर्फ 10 पीपल का. उनके अकॉर्डिंग उनको 10, वही बोला इसने कि 10% है, कितने 1 लाख केसेस में उनको सिर्फ 10% पीपल को ही देना पड़ता है इंश्योरेंस, बाकी को देना नहीं पड़ता. तो वही बात बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी मोर देन 3, 3 से ज्यादा इंश्योर्ड पीपल को पॉलिसी का फायदा होगा. वो यही बोल रहा है. तो एन की वैल्यू क्या है? 4,000. ठीक है, पीक प्रोबेबिलिटी कहां से निकालो? देखो एन ये नहीं लोगे, एन बोला इसने इंश्योरेंस कितने को किया है 4,000 का, तो लिखा. अब प्रोबेबिलिटी बोला इसने कि 10% होते हैं इतने में से, 1 लाख में से 10% को ही क्या मिलता है उनका, सॉरी एक्सीडेंट होता है और उनकी दोनों आईज डिस्ट्रॉय होती है. तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.001, एन आ गया, पी आ गया. अब तो इसने बोला मोर देन 3, मोर देन 3 में तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो पी ऑफ तुम्हें क्या निकालना है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 निकालना है. हमें क्या निकालना है? पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा निकालना है. तो इसका मतलब मैं क्या कर देती हूँ, 1 में से x लेस देन इक्वल टू 3 वाला माइनस कर देती हूँ. 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल्स टू 0 निकालना है, पी ऑफ x इक्वल्स टू 1 निकालना है, प्लस पी ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड 3. n कितना गिवन है? 4,000. p कितना बोला इसने? आउट ऑफ 1 लाख में से 10 पीपल होते हैं तो 0.001 आ गया. ये प्रोबेबिलिटी आ गई. लेमडा की वैल्यू क्या होगी? n इंटू में p. n क्या है? 4,000 इंटू में 0.001, ये आ गया. तो कितना आएगा लेमडा की वैल्यू? 4 जीरोज है नीचे, 3 तो 3 से कट जाएंगी, 1 बच जाएगा, तो 0.4 आ गया हमारा लेमडा की वैल्यू. अब लेमडा की वैल्यू आ चुकी है, क्या उधर पुट कर दो. पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें पता है e की पावर माइनस लेमडा. लेमडा की वैल्यू क्या है? 0.4. 0.4 की पावर x बाय x फैक्टोरियल. x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1, 2, 3 तीनों वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा. ये कैलकुलेशन तुम पे ही छोड़ रही हो, बाकी मैं एक बार तुम्हें दिखा दे. ये आ गया 0.4 आ गया था, और इसके बाद वैल्यू सबकी पुट की और आंसर आ जाएगा तुम्हारा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, क्वेश्चन थोड़े बहुत तुम खुद ट्राई करोगे. इसमें बोला अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस मेडिसिन बॉटल्स फाइंड्स, वो मेडिसिन बॉटल्स बनाते हैं और उन्होंने देखा कि 0.1% ऑफ द बॉटल्स आर डिफेक्टिव. 0.1% है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? परसेंट के लिए 100 से डिवाइड कर देते, 0.001 हमारी क्या हो जाएगी? पी की वैल्यू हो जाएगी. द बॉटल्स आर पैक्ड इन कंटेनिंग 500 बॉटल्स. उसमें कितनी बॉटल्स है? 500 बॉटल्स है. अब एन की वैल्यू तो हो जाएगी 500. इसमें कैपिटल एन बाद में बात करेंगे. इसने बोला अ ड्रग मैन्युफैक्चर बायस 100 बॉक्सेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ द बॉटल. उसने बोला बॉटल्स जो है वो कितने पैक्स में बनती हैं? एक पैकेट में 500 बॉटल्स जाती हैं और 100 बॉक्सेस बनाए हैं. तो बॉक्सेस बाद में बात करेंगे, पहले हम बॉटल्स की ही बात कर लेते हैं. यूज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी बॉक्स विल कंटेन नो डिफेक्टिव. अब उसने बोला कि उसे पता है कि 0.1% बॉटल्स आर डिफेक्टिव होती हैं. तो ये जो हमारा 100 बॉक्सेस का, ये बाद में देखेंगे. हमें बोला है कि 500 में से कितनी खराब निकलती है? 0.01%. तो कंफ्यूज मत होना, एन क्या लेना है? जिसकी बात की गई है उसको लेंगे. उसने 0.1% ऑफ द बॉटल्स आर डिफेक्टिव बोला, तो 500 बॉटल्स में से 0.1% खराब है, तो एन क्या हो गया? 500. पी की वैल्यू आ गई. लेमडा को क्या करते हैं? एन इंटू में पी, 0.5 लेमडा की वैल्यू आ गई. इस एन को हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब बोला कोई भी डिफेक्टिव आइटम ना निकले, तो एक्स क्या मान के चलते हैं? एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स इन अ बॉक्स ऑफ 500. तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, लेमडा की वैल्यू 0.55 है, इसको सॉल्व किया. अब क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो तो एक्स इक्वल्स टू 0 निकालना है. एक्स इक्वल्स टू 0 निकाल लोगे जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. ये फॉर्मूला क्या बोला है इसने कि जब भी तुम्हें आगे और बॉक्सेस का दे दिया तो तुम ये फॉर्मूला ना याद रखो तो बेटर है. इसने एक्स इक्वल्स टू 0 निकाला, एक्स इक्वल्स टू 0 करके आंसर ही आ गया. ये था हमारे वन बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 500 बॉटल्स है. कितने बॉक्स का पूछा है? 100 बॉक्सेस का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 61 आ गया नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग नो डिफेक्टिव बॉटल. तो 61 ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें बॉटल्स. नेक्स्ट क्या बोला? एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव मिल जाए, एटलीस्ट बोला है. एटलीस्ट का मतलब 2 तो है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है तुम्हें. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालने के लिए 1 में से क्या माइनस कर दे? इक्वल टू तो 2 यहां चला गया, 0 और 1 वाले माइनस कर दे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा.
फिर 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बॉक्सेस कितने हैं 100। बस इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि तुम एंड में कंफ्यूज मत हो ना, 500 बॉटल में से इतनी खराब निकली है, एक बॉक्स में 500 है तो 100 बॉक्सेस का क्या होगा। तो 100 बॉक्सेस का हम पहले सारा काम एक के लिए कर लेते हैं और बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही यहाँ पे किया है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, 6 कॉइन्स आर टॉस 6 400 टाइम्स यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स आर टाइम्स। अब की बार तुम्हें ये नहीं पता कितने टाइम्स बोला, तो x इक्वल टू आर पे निकालना है तुम्हें आंसर। अब पहले बोला इसने 6 कॉइन टॉस किया है, कितनी बार 6 400 टाइम्स, तो n की वैल्यू होगी 6400। यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स आर टाइम्स। अच्छा ये बताओ, इसने बोला 6 हेड मिल जाए तुम्हें, अब हेड कॉइन है, कॉइन में हेड क्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और 6 हेड्स मिलने की 1/2 की पावर 6, इसने बोला प्रोबेबिलिटी। ये वैसे इसको छोड़ दो एक बारी, इसने बोला 6 कॉइन्स है, एक हेड एक कॉइन पे कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और 6 की कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर 6, इसलिए इसने यहाँ पे डायरेक्टली दोनों को इंक्लूड कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स इन वन थ्रो, एक ही बारी में प्रोबेबिलिटी आ जाए। अच्छा बताओ, अगर फर्स्ट टाइम में हेड नहीं आया तो टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने बोला ये 6 कॉइन्स है, 6 कॉइन्स है, इसमें मैंने बोला हेड आ गया, इसमें टेल, इसमें हेड, इसमें टेल, टेल हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है 1/2, टेल की कितनी होगी 1/2, हेड की भी 1, तो तीनों ही सारी तो क्या आ रही है तुम्हारी 1/2। चाहे तुम्हारे चाहे सारे के सारे हेड आ जाए, चाहे सारी की सारी टेल आ जाए, हमेशा 1/2 ही तो रहेंगे दोनों चीज, इसलिए इन्होंने बोला 1/2 की पावर 6 रहेगा, इसलिए कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं आएगी। डाइस में होता तो चेंज हो जाता, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 की पावर 6। लैम्डा इज इक्वल टू एन पी, एन की वैल्यू 6400, पी की वैल्यू 1/2 की पावर 6। ये हमारा 6 कॉइन्स के रहता है, इसलिए 6 पावर की है, इसको सॉल्व किया, इनका आ गया 100। ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की। अब इसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स आर टाइम्स, आर टाइम पे निकालना, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर निकालना तुम्हें, ई की पावर माइनस लैम्डा, एक्स की जगह बस लैम्डा की पावर में आर कर देना, और आर कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में आर टाइम्स पूछा, तुमने आर तक कर लिया। अब ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन तुम खुद करोगे। एक बुक में 520 पेजेस हैं, 390 टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, एज्यूमिंग करो पॉइजन लॉ को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि नंबर ऑफ एरर्स पर पेज एक्स को, मतलब नंबर ऑफ एस मांगना है तुमने, एरर्स मांगना है। Find the probability that a random sample of 5 pages will contain no error. तो तुम्हें 5 pages का निकालना है, ठीक है, तुम खुद करोगे।